हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो कि आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट कर देते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थियरी। तो फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थियरी किसने दिया था? तो यह लुईस पाश्चर ने दिया था, जिस थियरी को हम जर्म थियरी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना, देखिए आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर जो टिप है वो टिप इंडिकेट करता है कि क्लिनिशियन ने या डॉक्टर्स ने इस केस को आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, अब ये आइसबर्ग की और टिप के ऊपर जो है वो डेथ लिखा होता है। ओके, तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ डिमार्केशन। ओके, यहां पे इस आइसबर्ग की मॉडल में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन केस। ओके, नेक्स्ट, सबमर्ज ऑप्शन। तो जो पानी में डूबा हुआ पोर्शन होता है आइसबर्ग का, उसके अंदर जो केसेस होती है वह केसेस को हम सब क्लिनिकल या फिर हिडन केसेस होती है। ओके, एंड दैट हिडन केसेस आर मोर फेटल देन द अदर केसेस। ओके, जो आइडेंटिफाइड केसेस है उनको तो हम क्वारंटीन कर सकते हैं या फिर उनके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं, बट ये जो अनडायग्नोस और असिम्टोमेटिक केसेस है, ये केसेस कैन स्प्रेड द इंफेक्शन टू द कम्युनिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसीज इलिमिनेशन। डिसीज इलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ डिसीज प्रोजेक्टिंग एजेंट फ्रॉम ए जियोग्राफिकल एरिया और ए कंट्री। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इलिमिनेशन। ओके, यहां पे हमने ओनली एजेंट को निकाल दिया। ओके, बट द डिसीज के जो पर्सन होंगे वो अभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, गुनिया वार्म, जिसकी लास्ट केस 1996 में पाई गई थी जोधपुर के अंदर। गुनिया वार्म का इलिमिनेशन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट, लेप्रसी का इलिमिनेशन हुआ था, कंप्लीट इलिमिनेशन इन 2005। यॉर्स डिसीज का इलिमिनेशन 2016 में हुआ था। इंपॉर्टेंट, एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, और जो पोलियो है वो पोलियो इलिमिनेट कर दिया गया था 2040 के अंदर, और हमारी इंडिया को WHO ने सर्टिफाइड कर दिया था 2016 के अंदर। दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? तो डिसीज इरेडिकेशन का मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द होल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज इरेडिकेशन ऑफ डिसीज। ओके, तो ऐसे कई सारे डिसीज है जो अभी तक हमने इरेडिकेट कर दिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स कि लास्ट केस जो इंडिया में पाई गई थी वो थी 1975 के अंदर, बिहार में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स की पाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया के अंदर इरेडिकेशन कंप्लीट हो चुका था 23 अप्रैल 1977 के अंदर। ओके, लास्ट केस 1975 में बिहार में मिला था स्मॉल पॉक्स का। ओके, बट इंडिया में कंप्लीट जो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन है वो 1977 में हुआ था। नेक्स्ट, लास्ट केस इन द वर्ल्ड। ओके, तो वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस 1978 में पाया गया था स्मॉल पॉक्स का, तो नाउ द होल वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। ओके, वर्ल्ड इरेडिकेशन इन द मई 1980। ओके, नेक्स्ट, पोलियो वायरस सेकंड। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस सेकंड हमारा इरेडिकेट हमने कर दिया है। ओके, तो जो कि हमारा 2015 में हुआ था। नेक्स्ट, वैक्सीन टर्म। ये वैक्सीन की टर्म किसने दी थी? तो लुईस पाश्चर ने यह वैक्सीन की टर्म दी थी। ओके, वैक्सीनेशन की टर्म किसने दी थी? देखिए दो क्वेश्चन अलग अलग है। वैक्सीन टर्म दिया था लुईस पाश्चर ने, वैक्सीनेशन की टर्म दी थी एडवर्ड जिन्नर ने। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप किया था वह स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, जो कि 1796 में प्रिपेयर्ड कर दी गई थी, और इसको प्रिपेयर्ड करने वाले थे एडवर्ड जिन्नर। नेक्स्ट, टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन
एक प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ओके, तो ऐसी टॉक्सॉइड्स वैक्सीन दो प्रकार की होती है। देखिए, डीटी दैट इज डिप्थेरिया एंड टिटैनस और टिटैनस टॉक्सॉइड, ये दो प्रकार की टॉक्सॉइड वैक्सीन्स है। मतलब इन बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है और इनसे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसी टॉक्सिन को एज अ वैक्सीन की तौर पर हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। यह वैक्सीन जो कि प्रिपेयर्ड की जाती है बैक्टीरियल सेलुलर फ्रेगमेंट से, जो फ्रेगमेंट या तो सेल वॉल हो सकती है या न्यूक्लियस हो सकता है या प्रोटीन मटेरियल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये किसी भी एक फ्रेगमेंट से यह वैक्सीन बनाई जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोकोकल वैक्सीन या फिर मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ये दो प्रकार के एग्जाम्पल सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो देखिए, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए यह एक बहुत सुनहरा मौका है। आपको मिल रहे हैं 5000 एमसीक्यू प्लस 3000 गोल्डन पॉइंट, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, इन दोनों की प्राइस है ओनली 499। इसके साथ आपको फ्री मिल रहा है मेरी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप और टेलीग्राम चैनल पर जो मेरे डेली क्वीज होते हैं उसकी मेंबरशिप भी आपको इसके साथ फ्री मिल रही है। अगर आपको इस कोर्स को परचेस करना है तो इस वीडियो के अंत में मैंने आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया है, उस नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन इज ए वैक्सीन दैट कंटेन द 5 एंटीजेंस। ओके, पेंटावेंट में कौन से 5 एंटीजेंस होते हैं? देखिए, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटैनस दैट इज डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी। ओके, ये 5 प्रकार के एंटीजन पेंटावेंट वैक्सीन में देते हैं। पेंटावेंट का सेम डोज है 0, 6 and 10। ओके, नेक्स्ट, HIV असिम्प्टोमेटिक केसेस के अंदर हम वैक्सीन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, जो असिम्प्टोमेटिक केसेस है उनके अंदर वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, बट जो HIV सिम्प्टोमेटिक केस है, जिनके अंदर HIV के लक्षण दिख रहे हैं, ऐसी पेशेंट में हम कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। ओके, बिकॉज द पेशेंट विल बी ऑलरेडी लेस इम्यूनाइज्ड और लेस इम्यूनिटी होगी। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा एडवर्स रिएक्शन। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की एडवर्स रिएक्शन होती है GBS, दैट इज गुलियन बार सिंड्रोम। ओके, ये गुलियन बार सिंड्रोम क्या होता है? तो दैट इज कॉल्ड एज एसेंडिंग मसल वीकनेस डिसऑर्डर। ओके, तो सबसे पहला साइन क्या देखने को मिलता है? जो हमारी ग्रेट टो है उसके अंदर हमें पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, ओपीवी एडवर्स रिएक्शन। ओपीवी की एडवर्स रिएक्शन क्या होती है ओपीवी वैक्सीन की? तो इट वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, ये ओपीवी की एडवर्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, MMR की एडवर्स रिएक्शन क्या है? तो मिजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन की एडवर्स रिएक्शन है TSS। TSS मतलब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट, मोस्ट लाइव वैक्सीन सिंगल डोज में प्रोड्यूस करती है इम्यूनिटी, बट ओनली पोलियो वैक्सीन जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि लाइव वैक्सीन है, विच कैनॉट प्रोड्यूस इन अ सिंगल डोज, ओके, इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ओके, बाकी सारे वैक्सीन एक सिंगल डोज में भी यह अपनी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। फर्स्ट बीसीजी वैक्सीन 1921 में प्रोड्यूस की गई थी, विच इज प्रिपेयर्ड बाई एम बोवीज। ये जो WHO ने BCG का स्ट्रेन यूज किया था, उस स्ट्रेन का नाम है डेनिश 1331। BCG वैक्सीन इज डाइल्यूटेड इन द NS। BCG वैक्सीन डाइल्यूटेड जो की जाती है वह हमें विद इन 4 आवर यूज करनी है, बट उसको टेम्परेचर पर भी मेंटेन करना है। ओके, ड्यूरिंग BCG वैक्सीन हम जो सिरिंज यूज करते हैं उस सिरिंज का नाम है ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। BCG वैक्सीन इट इज फॉर्म ए स्कार विच इज परमानेंट इन नेचर 6 से 12 वीक में एक स्कार का फॉर्मेशन करती है। आप अपने अपने दाहिने हाथ पर भी देख सकते हो कि आपको एक स्कार दिखाई देता होगा। ओके, दैट इंडिकेट दैट यू हैव टेकन द BCG वैक्सीन। अमाउंट ऑफ BCG वैक्सीन, अगर हम एट बर्थ दे रहे हैं तो 0.05 ml देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, बट अगर हमने बर्थ टाइम पे देना भूल गए तो विद इन ए मंथ हम BCG वैक्सीन को दे सकते हैं और आफ्टर ए मंथ हम 0.1 ml डोस होगा। BCG वैक्सीन का रूट क्या है? तो रूट होता है इंट्राडर्मल, और
आइडियल साइट है लेफ्ट डेल्टॉइड एरिया, हर किसी की लेफ्ट डेल्टॉइड एरिया में ही बीसीजी वैक्सीन को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट मिजल्स वैक्सीन डेवलप फ्रॉम, मिजल्स वैक्सीन किससे डेवलप किया गया है, तो चिक एम्ब्रियो सेल से मिजल्स वैक्सीन को डेवलप किया गया है। मिजल्स वैक्सीन WHO ने मिजल्स का जो स्ट्रेन यूज किया था उस स्ट्रेन का नाम है इडमोंटोस जागरीब। ओके, इडमोंटोस जागरीब यह स्ट्रेन WHO ने यूज किया था। मिजल्स वैक्सीन इज डाइल्यूटेड इन द डिस्टिल्ड वाटर एंड स्टराइल वाटर। ओके, बीसीजी को किसमें डाइल्यूट किया था, हमने NS में। मिजल्स को डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर या फिर स्टराइल वाटर के अंदर। डाइल्यूटेड मिजल वैक्सीन हमें 4 घंटे के अंदर ही यूज करना है, अदरवाइज आफ्टर 4 आवर हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट, मिजल्स जो एडमिनिस्टर करते हैं उसका डोज है 0.5 ml। ओके, मिजल्स वैक्सीन हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। मिजल्स की 2 डोसेस होती है, फर्स्ट डोज 9 मंथ पे और सेकंड डोज 16 to 24 मंथ्स पे हम देते हैं। ओके, मिजल्स का रूट मैंने आपको बता दिया, सबक्यूटेनियस और राइट अपर आर्म में हम इसको देते हैं। ओके, मिजल्स वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है हमें, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर देती है। ओके, मिजल्स वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन आपको मैंने बताया था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ओके, दैट इज TSS। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं DPT वैक्सीन के बारे में। DPT वैक्सीन इट प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म एंड नॉट स्टोर्ड इन द फ्रीजर। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो DPT कभी भी हम डीप फ्रीजर के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। DPT वैक्सीन का अमाउंट होता है 0.5 ml। उसका रूट है इंट्रामस्कुलर एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में हम देते हैं। DPT के 5 डोसेस, फर्स्ट डोज एट 6 वीक, सेकंड डोज एट 10 वीक, थर्ड डोज एट 14 वीक, इसके बाद फोर्थ डोज आता है 16 से 24 मंथ पे और फिफ्थ डोज आता है 5 से 6 साल में। ओके, तो ये 5 डोसेस आपको DPT के याद रखने हैं। DPT वैक्सीनेशन में प्रोड्यूस द फीवर। ओके, तो इस फीवर को हम मैनेज कर सकते हैं घर पे ही PCM देके, ओके, एंड होम मैनेजमेंट हम इसके लिए कर सकते हैं। ओके, तो दिस ऑल इज अबाउट DPT वैक्सीन। नेक्स्ट, स्विच पोलियो प्रोग्राम। तो स्विच पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 25 अप्रैल 2016। इस आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, और इसके अंदर ट्राइवेलेंट वैक्सीन यूज किया था पोलियो का, जो कि पोलियो के तीनों वायरस के अंदर काम करता है। ओके, दैट ट्राइवेलेंट वैक्सीन इज चेंजेस फ्रॉम बाइवेलेंट वैक्सीन। हमने पहले पोलियो 1 एंड 2, 1 एंड 3 वायरस के लिए वैक्सीन यूज की थी, लेकिन अब ये बाइवेलेंट से हमने अभी एडवांस हो चुके हैं, ट्राइवेलेंट वैक्सीन पोलियो की आ चुकी है, जो कि स्विच पोलियो प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग इज यूज फॉर द वैक्सीन पोटेंसी। ओके, अगर यह देखिए, अगर आउटर सरफेस जो है वह आपको डार्क दिख रहा है, ओके, सॉरी आउटर सरफेस डार्क दिख रहा है और इनर सरफेस आपको लाइट दिख रहा है, हम यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर इन दोनों का कलर, देखिए जो मिडल वाला है ये भी आपको हाईलाइट दिख रहा है, तो तभी भी हम यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों का कलर मैच हो गया तो हम इसको डिस्कार्ड करना है। अगर इनर सरफेस सर्कल जो है, अगर ये लाइट हो गया आउटर सरफेस से, तो भी हमें इसको डिस्कार्ड करना थे। ओके, तो ये थी हमारी वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। ओके, तो ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है और ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, जहां से आप मुझे टेस्ट सीरीज को परचेस करने के लिए संपर्क कर सकते हो। दिस इज माय फेसबुक पेज, जहां से आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम पेज, जहां से डेली टेलीग्राम क्विज के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज माय इंस्टा पेज, जहां से आप मुझे इंस्टा एजुकेशनल रील्स के लिए फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।